तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डोनेट म्यूजिक में, जहां मिलता है आपको ज्ञान ही ज्ञान और मुझे मिलता है आपका प्यार और सम्मान। दोस्तों, बहुत इंतजार के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं आज इस गजल का ट्यूटोरियल बना रहा हूं। ये रिक्वेस्ट भेजा है गुलाम ने, आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी गजल की बात कर रहा हूं। ये गजल है फरीदा खानम जी का गाया हुआ, आज जाने की जिद ना करो, जिसके शायर हैं फयाज हाशमी साहब। और ये राग दोस्तों, ये गजल दोस्तों राग यमन कल्याण पर बेस्ड है, तीव्र मा और शुद्ध मा का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग हुआ है इसमें। निरगम परे गारे प्रयोग हुआ है वो है दीपचंदी ताल। दीपचंदी में दोस्तों 14 मात्रा होता है, तो हम गाते समय साथ साथ में भी डिवाइड कर लेते हैं। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा, ये 14 मात्रा। अभी गजल तो शुरू होती है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इसको साथ साथ में डिवाइड कर देते हैं हम। एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो गाना कहाँ से स्टार्ट होगा, एक दो तीन आज जाने की जिद। तो पहले जाने, जाने पे समाया, फिर जिद पे समाया, जिद पे समाया। वन टू थ्री, आज जाने की जिद ना करो, रो पे फिर समाया। तो ये पैटर्न में दोस्तों, ये खांचे में आपको गाना है, ये ताल समझ लिए दोस्तों। अब हम आपको समझाते हैं कि इसमें कौन से कीज लगे, सुर क्या लगे हैं इसमें। शुद्ध रे गा, शुद्ध गा, तीव्र मा, पा धा, शुद्ध धा, नी सा, ओके
शुद्ध मां भी लगा इसमें मैं लाइन बाय लाइन आपको सुनाऊंगा जिससे कि आपको ऑन द स्पॉट आपको समझ में आएगा कि क्या गाया है सिंगर ने। सेम टू सेम मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखकर सेम टू सेम गाने की कोशिश करिए। अपनी भी हरकतें आप लगा सकते हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता है, बट कोशिश करिए कि जो आप सीख रहे हैं कम से कम वो तो गा दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आप ज्वाइन बटन दबाइए और डोनेट म्यूजिक का एक सम्मानित मेंबर बन जाइए, सम्मानित सदस्य बन जाइए, जिससे कि जो मैं कुछ कुछ स्टफ होता है, जो कुछ कुछ नोटेशन और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मैं खासकर मेंबर के लिए बनाता हूँ, उनकी रिक्वेस्ट पर बनाता हूँ, वो आपको वहां पर मिला करेगा। और कुछ मेंबरशिप के जो लेवल है वो इस प्रकार भी है कि आप मुझसे सोशल मीडिया पे संपर्क कर सकते हैं, वन टू वन आप मुझसे बात कर सकते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं। तो इस तरह के कई लेवल्स हैं, आप जाके देख लीजिएगा और जो आपको पसंद आए वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको इनसे कुछ सीखने को मिलता है और आप चाहते हैं कि कुछ अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इस चैनल को दें जिससे इस चैनल का ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, तो आप वो कर सकते हैं। थैंक्स बटन दिया रहता है यूट्यूब के द्वारा, आप वहाँ थैंक्स बटन दबाएंगे और आपका पेमेंट गेटवे खुलता है, फिर जो भी इच्छा आपकी है वो आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। चलिए मैं पहली लाइन सुनाता हूँ, स्टार्ट कैसे हो। ये अलाप टाइप में दोस्तों, अलाप, यहाँ पे कोई रिदम नहीं बजेगा, सिर्फ एक अलाप टाइप में गाया जाएगा, वो कैसे देखिए। ठीक है, तो पहला नोट कहां से हुआ, सा में मुर्की लेते हैं, सा नी रे सा नी धा। गायकी ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप ऐसे भी गा सकते हैं, आज आज सा नी धा, ये भी होगा आज। ठीक है, आप गजल गाने बैठे हैं तो इसमें आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से गाने के लिए, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि जो इन्होंने गाया है मैं वो आपको समझा दूं और उसके अलावा भी जो तरीका है वो भी मैं आपको बता सकूं। आज सानी रे सानी धा, मंद्र नी मंद्र धा, जाने की पधरे नी के बाद सीधे याद रखे मुर्गी के साथ कैसे है सीधे, ये इतना समझाते हैं आपको, निरे गा मा पा ये हुआ सीधे। अब ये जो सीधे है ना, थोड़ा सा गमक के साथ आप गाइएगा मुर्गी में, सीधे सीधे ऐसे नहीं, सीधे हल्का गप, सीधे इसके बाद रेगा रेगा पर रेगा रे द का अ जो है सीधे रेगा पर रेगा रे। ठीक है,
ना करो सारी रे सा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये ओरिजिनल स्केल है आपको जो मैं बता रहा हूं, ए शार्प यानी कि पांचवी का स्केल है। ठीक है, तो उनका स्केल ऐसे ही है, इसलिए मैं यही समझा रहा हूं। मेल का थोड़ा सा लो लगेगा, तो आप मेल सिंगर हैं तो आप सी शार्प से कर लीजिए अपने आप को, अपनी आवाज को आप सी शार्प से गाइए या डी से गाइए या डी शार्प से गाइए, लेकिन फीमेल के लिए कंफर्टेबल स्केल होता है और इन्होंने भी यहां से गाया तो मैं आपको यहीं से सिखा। ठीक है, आज जाने की जिद समझ में है। ठीक है, अब इसके बाद ताल शुरू होता है दोस्तों, देखिए कैसे। हाँ, यहां पे है ना। आज ये सीधा लिया सा नी धा क्या हुआ आज जाने की धरे नी रे रे गा जाने की। ओके, जेद ये जिद कैसे हुआ, शुद्ध मा से माग जेद ना करो सानी सा कर। यहां तक एंड लाते हैं सानी सानी दा ना करो ना करो कैसे हुआ सानी 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 दा। तो दोबारा गाने के लिए ये जगह आना पड़ा, दूसरी बार ऐसा नहीं आएगा। साफ ही खत्म हो जाएगा, नोटिजन वही है। सा नी धा धरे नी रे रे गा मा गा सा नी सा साफ हो जाएगा। आज जाने की जिद ना करूं। अब आगे देखिए अगली लाइन कैसी है, देखिए। अब देखो दो बार ये लाइन यूं ही गा गा यूं ही। ओके, पहलू में गा गा मग मग रे पहलू में लू कहां पे हुआ पहलू में यानी मग रे पह तो गागा पे आया पहलू में मागा मागरे। ओके, बैठे रहूं ये बैठ कैसे हुआ रेगा रेगा रे बैठे रह सानी धानी ठे रह ओ सागरे रे सा। ठीक है, र ओ रे पे होल्ड करेंगे सागरे रे सा। ठीक है, र तो नी पे था ओ ओ जो है सागरे सा। दोबारा फिर कैसे यूं ही गरेगा ऐसा यूं ही
यूही। प्लेन नहीं है, सीधा नहीं है, गरे लगा के किया है। पहले कैसे था? यूही। ऐसे था सेकंड टाइम पे? यूही गरे रे रे गा गा। पहलू में यहाँ पे हल्का सा मुक्की लगाया दोस्तों। ग ग म ग प म ग म ग रे, ठीक है। पहलू में बैठे रे ग रे ग रे सा नी धा बैठे रहो नी सा ग रे रे सा। फिर वही पहले वाला इसका क्या सुनते दोस्तों। इसकी खासियत है कि एकदम बिल्कुल इस गजल को ठहराव के साथ और भाव के साथ आपको गाना पड़ेगा, तभी इस गजल का मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। सिर्फ आप गायकी दिखा देंगे या शब्द गा देंगे, लेकिन भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ना आपको मजा आएगा ना सुनने वाले को। देखिए हाय कितना प्यारा है। कितनी बड़ी बात है, मर जाएंगे वाली बात। आए मर जाएंगे पसी सारे गामा हाय एकदम सॉफ्टली निकालना आपको। हाय पामा हाय ओके मर जाएंगे मर ये करे मर जाएंगे रे गरे गा 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 हाय मरे जाएंगे। जा कैसे करेंगे? जाएंगे गरे गरे गा 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 ओके हाय मरे जाएंगे। सेम केस है आगे लाइन तो लुटे जाएंगे हम तो हम में मुर्की दीजिएगा पावा दा पामा पावा दा पा हम तो पावा दा पामा हम तो लुटे गरे लुटे जाएंगे गरे गरे गा 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 ठीक है आगे ऐसी बातें किया ना करो क्या फील लगे ऐसी धप गया सारे गामा पधा ऐसी बातें किया ना करो ऐसी कैसे ऐसी अब मैं ब्रेक करके बताता हूं आपको धा धा बाते दा पा पानी धनी बाते किया ना धा पा मगर किया किया धा पा पापे खटका देंगे किया ना यानी मगर हो गया किया ना के बाद करो करो माधा पा ये करो हो गया करो उसके बाद माधा पा उसके बाद ओ रे गा रे सा यहां तक ओ लेके आएंगे सा तक करो ये सब ज्वाइंट रहेगा दोस्तों माधा पा रे गा रे सा ठीक है जाने बस फिर ये मुकड़ा आ जाता है। अब चलते हैं हम अंतरे पे।
अंतरा दोस्तों इसका तीन अंतरा है, जिसमें कि पहला अंतरा और तीसरा अंतरा बिल्कुल सेम है, धुन सेम है, दूसरे अंतरे का धुन थोड़ा चेंज हुआ है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलते हैं पहले अंतरे पे। अभी तो देखिए, तुम ही ग से उठेगी, ठीक है, सारे ग तुम ही, ओके, सो मधा म सो, ये सो ओ जो है माधा, ये सो ओ गया, सो माधा म चो जरा, चो में धनिसा नीसा ये मुर्गी है, चो जरा तुम ही सो चो जरा। और दोस्तों इसको गाएंगे आप ठहराव के साथ और थोड़ा रिदम के साथ, रिदम से आउट होके गाएंगे ना, मतलब ऑफ बीट, तो अच्छा लगेगा। तुम ही सोचो जरा मगा मदा मदा निसा सा निसा, उसके बाद क्यों न रो क्यों, यहाँ पे जो मुर्गी है सा नी सा सा, क्यों न सा नी, ओके, क्यों क्यों ना, ये है सानी सानी रे सानी, ये मुर्गी है, क्यों ना, नी पे खत्म हुआ ना, रो 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 में भी खटका के साथ आएंगे, प्लेन नहीं, क्यों ना रो के रो रो, पागा पागा, यानी कि रो के हम फिर पापे पगा रोके, तुम्हें कहां से सानी, ऊपर कैसा तुम्हें, ठीक है, पूरी लाइन गाता हूं, देखिए, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, ठीक है, आगे ये दो बार लाइन है, जान जाती है जब, जान जा कहां से, तिब्र मा से, जान मागा मा जाती है जब, तो जाती कैसे, बनी दा पा जाती है जब, उसके बाद उठ के पानी धनी धा उठ के, ओके, जाते हो तुम, जाते कैसे, जाते ये पामा गामा जाते हो तुम, यानी धापा, ओके, समझ में आ रहा है, उठ के जा ओ तुम, अब अगली लाइन, तुमको अपनी कसम जाने जा, इतना, तुमको अपनी कसम तुम, ये स्टार्ट कहां से हुआ, नी से, नी तुमको, मैं धीरे धीरे समझाता हूं दोस्तों, जिससे कि आप साथ साथ में गा पाए, तुमको नी नी रे ऊपर करे, तुमको अपनी कसम, अप ये अप कहां है, सा सा, अपनी कसम सा सा नी दा सा नी पा, अपनी कसम जाने, ये जाने कैसे हुआ, मा गा गा मा जाने, ओके, जा मा पा मा
तो जाने जाके सिवा म ग ग म म प म द जाने जा। ओके आगे पीछे वही जाने जा। उसके बाद बात इत इधा धा 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 पा बात इत इत तक हुआ ये बात इत धा 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 पा ठीक है नी पनी धनी नी मेरी धपा मेरी माने ये ग ग म माने 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 म ग ग म ये माने फिर लो म प रे ग रे सा लो बात फिर से देखिए बात इतनी मेरे मान लो ठीक है आज जाने की जिद ना करो फिर मुखड़ा ठीक है बस अब चलते हैं दोस्तों अंतरा टू पे जो बहुत चेंजेस है पहली लाइन फिर बाद में मिल जाता है इसमें देखिए बहुत खूबसूरत लाइन है सुनाता हूँ वक्त ग ग वक्त ग ग प प हल्का सा टच होता है दोस्तों कर लेते हैं प का प्योर पानी है आप इसे कहिएगा वक्त की यानी रे ग रे ग ग रे ग रे वक्त की याद हो गया कैद में कैद में हल्का सा मुर्की लीजिएगा सानी रे कैद में सानी रे सानी रे सानी रे सानी नी रे ओके जिंद गरे गरे जिंद ओके जिंद गी है मगर गी है मगर कैसे सानी धनी सा 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 गी ये कैसे है सानी धा गी है मगर नी सा सा ठीक है आगे अब ये लाइन जो है दोस्तों दो बार आता है दोनों बार का धुन अलग अलग है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बहुत सारे सिंगर गलतियां करते हैं इस लाइन में उनसे वो दोनों लाइन अलग अलग नहीं हो पाता है तो आप जरा ध्यान से सीखिएगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये अच्छे से गाते हैं चंद घड़िया सानी रे 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 चंद घड़िया सानी रे 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 यही है जो यही है जो यही कैसे है यही रे रे ग रे यही है जो है कैसे है ग ध ग ध प है जो ठीक है आजाद है गरे सा सारे करे गा यहाँ पे आजाद है ये लाइन जो आजाद है ना दूसरी बार ऊपर की तरफ चलाता है अभी यहाँ कहाँ आया
गरे सा सारे गरे गा गा पे खत्म हुआ। गरे सा झाद सारे गरे झाद है गा। ठीक है, अब दूसरी बार देखिए। चंद वो पापे खत्म हुआ। चंद घड़िया ये सेम पहले से ही सानी रे यही है जो अब यहां से चेंज हुआ रे गा मा गा मा धा पा यही है जो। ठीक है, पाठक आया आजाद है ये बिल्कुल चेंज चला गया। ऊपर मागा माधा पा आजाद है आजाद है। तो पहले कैसे था देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चंद घड़ियां पहला यही है जो आजाद आ कैसे हुआ गरे सा ये वाला आजाद। अब दूसरा चंद खड़िया यही है जो जो भी पापे गया आजाद है मागा माधा पा देखा अंकल है ना समझिएगा इसमें आजाद है पहला दूसरा आजाद है ऐसे। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहता था, अब आगे बढ़ते हैं। कितनी प्यारी लाइन है इनको वही पहले वाला नोटेशन है तुमको अपनी कसम जैसे पहले में था इसी प्रकार से इसमें इनको नी नी रे इनको खो कर मेरी खो कर मेरी सानी दसानी पर खो कर मेरी ओके जाने जा जाने जा ये कैसे मा गा गा मा मा पा मा 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 गा जाने जा। प्यार से गाना आपको उम्र भर धा धा धपा ना तरसते पनी धनी धपा मगा ना तरसते पनी धनी धपा पा मगा रहो इनको खो दोबारा देखिए फील देखिए दोस्तों और गायकी सीखिए इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा अंतर था, खत्म होता है यहीं पे। अब तीसरा अंतर दोस्तों सेम है, मैं फिर भी आपको एक बार गा के सुना देता हूं। कितना वैसे गा गा मासूम रंगीन है समा कितना ये गागा
यानी मारा मा सुम रंगीन मदनी सानी सासानी सुम रंगीन ओके नी पागा ये यानी पा समा सानी ओके आगे हुस्न और इश्क की मगगम पनिधदा आज आज पनिधनीदा आज मेराज है पमगम धपा हुस्न और इश्क की आज मेराज है तो हर शब्द में क्या दर्द है इसलिए आप ठहराव के साथ दर्द के साथ गाइएगा तो सुनने वाले को भी आनंद आएगा और गाने वाले को भी कल की किसको खबर नी निरसा निदादा सानी पर ओके कल की किसको खबर निधसानी पर जाने जा मग ग ठीक है रोक लो धारा धपा आज की परिधनी दपा आज की रात को मगगम पर रे गे सा रात को ओके आज जाने किसे देना कर आए मर जा तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की लास्ट में मुकड़ा भी बता देंगे ठीक है दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा बट सीखने के लिए जितना वक्त दे उतना कम पड़ता है प्लीज आप इसको ध्यान से सीखिए बार बार आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं क्या मुर्की लगा है क्या नोट लगा है और इसको कोशिश करिए कि आप अच्छे से गाएं दिल से गाएं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी गजल या कोई गीत लेकर तब तक के लिए शुक्रिया थैंक यू